हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। सिविल्स एजुकेशन की तरफ से आपको और आपके परिवारजनों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और थोड़ा संभल के खेलना होली, फेंफड़ों में रंग ना भर लेना। PCS 2022 का नोटिफिकेशन आ गया है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, फॉर्म वॉर्म भरे जाने लगे हैं अब तो लग जाइए चपक के। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। हम लोगों ने 90 क्वेश्चन कर लिए थे, 91 से करना है। चलिए 91 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से मयूर सिंहासन या तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? वह अंतिम व्यक्ति मोहम्मद शाह था। इनको रंगीला भी बोला जाता था। रंगीला किस वजह से बोला जाता था? क्योंकि इनको एडमिनिस्ट्रेशन की कोई चिंता नहीं होती थी, अपने शासन प्रशासन की कोई चिंता नहीं होती थी, उसके प्रति वो न्यूट्रल रहते थे, उदासीन रहते थे। लेकिन शराब, शबाब, सौंदर्य, इन सभी चीज़ों के प्रति अट्रैक्शन इनका बहुत ज़्यादा था। बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, हो जाएगा। चलिए 92 देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से मिला दीजिए। गीता रेस, तिलक साहब। इस किताब को तिलक साहब ने जेल के अंदर ही रह के लिख दिया था, उस समय ये मांडले जेल में थे। इंडिया मीन्स फ्रीडम अबुल कलाम आजाद साहब की है, तो ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। पॉवर्टी एंड अनपर्टिस रूल इन इंडिया बहुत फेमस है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, दादा भाई नेहरू जी। द लाइफ डिमांड किसकी? अरविंदो घोष। बन हो जाएगा, तो कर लेंगे ना आप, 3412 इसकी कोडिंग बन जाएगी। चलिए मैच कराते रहना आप। चलिए 93 देखिए, 93 में सती प्रथा का एवोल्यूशन पूछा गया है, और उस समय गवर्नर जनरलशिप किसकी थी? ग्रेट सोशल रिफॉर्मर का नाम याद आ रहा है, राजा राम मोहन राय साहब। इन्हीं के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था 1829 में। आप लोग ये जानते हैं कि राजा राम मोहन राय साहब 1833 में ख़त्म हो गए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। अब राय साहब का नाम आया है तो ब्रह्म समाज भी याद कर लीजिए। यहीं पर ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय साहब ने की थी 1828 में। चलिए तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। 94 देखिए, मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम बताना। खानवा के युद्ध 1527, ये समय किसका था? बाबर का था। युद्ध हुआ किसके साथ था? राणा सांगा के साथ। फिर 2 साल बाद घाघरा का युद्ध हुआ, यानी 1529 में, तो ये सभी वार बाबर की तो हैं। 1929 में भी बाबर थे, लेकिन अपोनेंट कौन थे? यहाँ पे लोदी थे। आपने बाबर के 4 युद्ध पढ़े होंगे, चारों युद्धों में ये सबसे अंतिम वाला था, घाघरा का युद्ध, और एक किस किसके बीच में लड़ी गई थी? बाबर और महमूद लोदी। चौसा का युद्ध 1539 में अगली पीढ़ी द्वारा, इसमें था कौन कौन? बाबर के बेटे यानी हुमायूं, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, मैं यहाँ पर सूरी लिख दे रहा हूँ। लास्ट बचा सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध भाइयों भाइयों में लड़ाई थी, 1658 की बात है। कौन कौन था? दारा सुकोह और औरंगजेब, याद रहेगा औरंगजेब। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। पहला खानवा का युद्ध हुआ, हम लोगों ने देखा 1527 में, फिर घाघरा का युद्ध हुआ 1539 में, फिर चौसा का युद्ध हुआ 1539 में, और लास्ट सामूगढ़ 1658 में। चलिए 95 देखिए, निम्नलिखित में से किसे बारानी खेती के रूप में जाना जाता है? यह पंजाब में होने वाली एक खेती का नाम है। बारानी खेती की खास बात यह है कि इसमें जो भी फसल होती है, इस खेती में उन फसलों का जो स्रोत है पानी का, वो सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल होता है। बारानी खेती में और किसी मीडियम से पानी नहीं दिया जाता है फसल में। बारानी का सिंपल सा मतलब होता है वर्षा आधारित। अब इस खेती में किस तरह की फसल बोई जाती है जो सिर्फ और सिर्फ वर्षा आधारित रहती है? वह है मेहंदी। ठीक है, एक एग्जाम्पल मेहंदी का है, याद रखना। मेहंदी की खेती राजस्थान में बहुत होती है, हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 96 देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से मैच करा दीजिए। मानसरोवर लेक के बारे में हम लोग सभी जानते हैं, और यह लेक किस नदी का सोर्स है? इंडस रिवर का। मानसरोवर लेक है कहाँ पे? तिब्बत के पठार में। ताप्ती रिवर और नर्मदा रिवर का सोर्स मध्य प्रदेश है। ताप्ती रिवर के बारे में एक फैक्ट और हम लोग जानते हैं कि ये रिफ्ट वैली में होकर बहती है, या फिर खाई से होकर बहती है, और ताप्ती रिवर का सोर्स है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। नर्मदा नदी का सोर्स हम लोग अमरकंटक की पहाड़ी हमेशा पढ़ते रहते हैं, तो अमरकंटक की पहाड़ी मैकाल पर्वत श्रेणी में है। ठीक है, तो इसको 2 से मैच करा दी। और लास्ट बचा ब्यास। ब्यास हिमाचल प्रदेश से निकलती है, रोहतांग दर्रे से, हो जाएगा। अब यहाँ पे इन सभी का मैप दिखाने का समय नहीं है, हम लोगों ने 2021 वाली टेस्ट सीरीज में किया था ये सब, तो यहाँ पे हम लोग स्किप कर देंगे मैप को। तो यहाँ पे कोडिंग क्या बना? ताप्ती को सतपुड़ा 3412। ठीक है, 3412 कोड बना हम लोगों का, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए, 97 देखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग।
बहुत आसान है। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को आपस में इंटरनेट के माध्यम से जोड़ दीजिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बन जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि फिजिकल ऑब्जेक्ट का एक ये नेटवर्क है जहाँ पे आपस में सारे फिजिकल ऑब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। क्लियर? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे आप स्मार्ट वॉच का एग्जांपल ले लीजिए। आप अपने स्मार्ट वॉच को मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं और उसी स्मार्ट वॉच से मोबाइल को कंट्रोल भी कर लेते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स ही तो है। एक फिजिकल ऑब्जेक्ट स्मार्ट वॉच हो गई, दूसरा फिजिकल ऑब्जेक्ट मोबाइल हो गया। आपने इसको इंटरनेट के माध्यम से या ब्लूटूथ के माध्यम से जोड़ दिया। अब आप मोबाइल को स्मार्ट वॉच की सहायता से कंट्रोल कर ले रहे हैं, तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इस फिगर को देखिए, यहाँ पे आप क्लियरली समझ सकते हैं कि यहाँ पे सारे फिजिकल ऑब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फैक्ट्रीज़ को इनेबल कर दिया IoT से, एयरपोर्ट, शॉप्स, स्टेशन सभी को इनेबल कर दिया इंटरनेट से। स्मार्ट होम का भी कॉन्सेप्ट आ गया है, घरों के दरवाजे में भी स्मार्ट सेंसर लग रहे हैं। उस सेंसर के माध्यम से आप अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं और गेट को कब बंद करना है, कब खोलना है, आप इजीली मैनेज कर सकते हैं मोबाइल की सहायता से ही। आप घर में CCTV कैमरा लगा देते हैं, CCTV को मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं। आप घर से 1000 किलोमीटर दूर भी रहेंगे तब भी आप इस CCTV को मूव कर सकते हैं, घर के चारों तरफ घुमा सकते हैं, देख सकते हैं कोई चोर डकैत तो नहीं आ रहा। मतलब इस तरह का कनेक्शन आप समझ पा रहे होंगे। PVR में मूवी देखने जाते हैं, टॉयलेट करने जाते हैं इंटरवल में, टॉयलेट में लगा सेंसर आपकी बॉडी को सेंस कर लेता है और आपको फ्लश करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप फ्लश कर देता है। हर एक फील्ड में आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स देखेंगे। आपने अपने मोबाइल को अपनी चार पहिया गाड़ी से कनेक्ट कर लिया, अगर रात में फोर्सफुली कार का कोई गेट खुलता है तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाता है। इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इसको दूसरा शब्द अगर हम लोग देना चाहें तो दे सकते हैं स्मार्ट वर्ल्ड। चलिए फिर क्वेश्चन कीजिए। तो IoT के बारे में तो हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसने कॉइन किया, इस वर्ड को किसने कॉइन किया, तो वो केविन एस्टन थे। ये ऑप्शन करेक्ट है, नाम याद रखना इनका। चलिए 98 कीजिए, आसान सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से साइनोकोबाल्मिन क्या है? केमिकल नेम पूछना चाह रहे हैं। एक्चुअली ये VB12 को साइनोकोबाल्मिन बोलता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी को क्या बोला जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। अब बी में तो बहुत सारे विटामिन हैं, जैसे B1 हुआ, B2 हुआ, B3 हुआ, B6 हुआ, B7, B9, B12। तो B1 को थायमिन बोला जाता है और B2 को राइबोफ्लेविन बोला जाता है, B2 को राइबोफ्लेविन, और B6 को बोला जाता है पायरीडॉक्सिन। ठीक है, चलिए 99 देखिए। वर्ष 1947 के पूर्व कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस स्थान पर नहीं आयोजित किया गया था? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि UP का कौन सा जिला था जहाँ पर सबसे पहले कांग्रेस का शासन हुआ था, तो उसके बारे में आप लोग जानते हैं, वो इलाहाबाद था। इलाहाबाद में कब हुआ था? 1888 में हुआ था। फिर 4 साल बाद हुआ 1892 में इलाहाबाद में। तो यहाँ पे हम लोग सभी का ईयर देख ले रहे हैं, तो क्लियर हो जाएगा कि कौन सा 1947 के बाद है और कौन सा पहले है। मेरठ में 1946 में हुआ था, JB कृपलानी साहब इसमें चेयरमैनशिप की थी, JB कृपलानी। कानपुर का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1925 का सरोजनी नायडू ने चेयरमैनशिप की थी, सरोजनी नायडू। लखनऊ का सेशन तो भूलना ही नहीं है, 1916 में क्या हुआ था? दोस्ती हो गई थी कांग्रेस में और मुस्लिम लीग में। दोस्ती कराई किसने थी? तिलक साहब ने। तिलक साहब ने और एनी बेसेंट का बहुत बड़ा रोल था। और यहाँ पर चेयरमैनशिप जो की थी 1916 में, AC मजूमदार साहब, अंबिका चरण मजूमदार। तो आपने देखा 1947 के पहले 1946 में हो चुका था, 1925 में कानपुर में हो चुका था, 1916 में लखनऊ में हो चुका था। आगरा में कोई सेशन ही नहीं हुआ, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, हो जाएगा। चलिए 100 कीजिए। पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है विजय सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये महोबा का है, सही मैच है। पटना वन्यजीव अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है, एटा सही मैच है। तीसरा है पार्वती अरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, कई बार पूछा है, UP स्पेशल के क्वेश्चन है, UP स्पेशल के वीडियोस पड़े हैं प्लेलिस्ट पे, आप चाहें तो देख सकते हैं। पार्वती अरंगा गोंडा सही मैच है। बांदा के पास एक तहसील है रानीपुर के नाम से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बांदा में, ना कि स्वागी वर्मा नाम से। स्वागी वर्मा ये महाराजगंज का है, महाराजगंज में है, ठीक है, तो ये गलत मैच है। यहाँ पे गलत बताना था तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इनको देख लीजिए, मैं इसको जूम करके दिखा दे रहा हूँ तो विजिबल हो जाएगा। जैसे चंद्र प्रभा के बारे में पूछा जाता है कि चंद्र प्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? चंदौली में है, बनारस के पास। किशनपुर वेरी इंपॉर्टेंट, लखीमपुर खीरी, कतनिया घाट सुपर इंपॉर्टेंट, बहराइच, महावीर स्वामी अभी हम लोगों ने देखा, ललितपुर, हस्तनापुर। इसके बारे में क्या पढ़ते हैं कि एरिया वाइज सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो हस्तनापुर है, क्योंकि इसका जो एक्सटेंशन है वो किसी एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं है,
आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, इतने डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है। तो इसको याद रखना, ये लार्जेस्ट है एरिया वाइज। सुहागी बरवा अभी देखा आपने महाराजगंज, रानीपुर अभी देखा बांदा में, ठीक है? तो इतना याद रखना, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलें वापस क्वेश्चन पे। चलिए 101 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीटा बायोडाइवर्सिटी शब्द किससे संदर्भित करता है? देखिए बायोडाइवर्सिटी को कैटेगराइज किया गया है तीन तरीके से, जिसको हम लोग अल्फा बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं, बीटा बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं और गामा बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं। इसको हम लोग फिगर से समझते हैं थोड़ा जल्दी से। देखिए यहाँ पे हमने एक इकोसिस्टम का एग्जांपल दिया आपको, और इस इकोसिस्टम में कौन कौन सी आपको स्पीसीज दिख रही हैं, प्रजातियाँ दिख रही हैं। यहाँ पे मैंने तीन स्पीसीज आपको मेंशन करके बताया। एक स्पीसीज है हिरन, दूसरी स्पीसीज है शेर और तीसरी स्पीसीज है प्लांट यानी पेड़। तो यहाँ पे आपको कितनी प्रजातियाँ दिख रही हैं? आपको यहाँ पे तीन प्रजातियाँ दिख रही हैं, एक प्रजाति पेड़ की, दूसरी प्रजाति शेर की और तीसरी प्रजाति हिरन की। तो जब किसी इकोसिस्टम में प्रजातियों की संख्या को मेजर किया जाता है, या फिर इसको ऐसे कह लीजिए कि जब किसी इकोसिस्टम को प्रजातियों की संख्या में व्यक्त किया जाता है, तब उसे बोलते हैं अल्फा बायोडाइवर्सिटी। इतना क्लियर है? तो पहले वाले इकोसिस्टम को हम लोग ए नाम दे देते हैं। एक इकोसिस्टम यहाँ पे आप बी देख रहे हैं। बी इकोसिस्टम में आप कौन कौन सी स्पीसीज देख रहे हैं? आप हिरन देख रहे हैं, आप पेड़ देख रहे हैं, आप शेर देख रहे हैं। यानी ए इकोसिस्टम में जो तीन प्रजातियाँ थीं बी में, वो तो हैं ही, उनके अलावा कौन कौन सी प्रजातियाँ और ऐड हो गई हैं? चीता भी एक प्रजाति आ गई है और पांचवी प्रजाति हाइना यानी लकड़बग्गा भी आ गया है। तो आप दोनों इकोसिस्टम में परिवर्तन देख रहे होंगे। परिवर्तन कैसा? स्पीसीज़ का, कि यहाँ पे दो स्पीसीज़ एक्स्ट्रा आ गई हैं। लेकिन ये दो स्पीसीज़ हम लोगों को पता कैसे चला कि ये एक्स्ट्रा आ गई हैं? ये ऐसे पता चला जब हम लोगों ने बी इकोसिस्टम को ए इकोसिस्टम से कंपेयर किया, तुलना किया, तभी तो पता चला यहाँ पे दो एक्स्ट्रा हैं। तो जब कंपेयर करके किसी इकोसिस्टम को पढ़ा जाता है, उसे बोलते हैं बीटा बायोडाइवर्सिटी। बीटा बायोडाइवर्सिटी, समझ में आया? यानी अल्फा में आप सिर्फ नंबर ऑफ स्पीसीज देख रहे थे और बीटा टाइप में आप दो इकोसिस्टम का कंपेयर पढ़ रहे हैं। इतना क्लियर है? अब इस फिगर को देखिए, यहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा क्षेत्र लिया। यहाँ पे हमने एक बायोम का एग्जांपल दिया, जिसमें ए टाइप का भी इकोसिस्टम है जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, बी टाइप का भी इकोसिस्टम है जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, और इस बायोम में और भी इकोसिस्टम है, जैसे सी भी है और डी भी है। इसी बायोम में आपको पहाड़ भी दिख रहे हैं, नदियाँ भी दिख रही हैं, यानी एक वेल एस्टेब्लिश बायोम है। तो किसी बायोम के अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम को एक साथ लेके समग्रता से स्टडी करने को बोलते हैं गामा बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब हो जाएगा ना? चलिए फिर जल्दी से आंसर लगा दीजिए इसका। यहाँ बगल में पूजा वूजा हो रही है, तो हो सकता है आपको साउंड आ रहा हो बैकग्राउंड में, वो मंदिर में गाने आने बजा रहे हैं, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना उसको, क्योंकि मेरे पास इंसुलेटेड और एडियाबेटिक रूम नहीं है। तो पढ़िए इसको, पहला ऑप्शन पढ़िए। पहले ऑप्शन में है एक इकोसिस्टम के अंदर प्रजातियों की संख्या, ये हम लोगों ने किस में पढ़ा था? ये अल्फा टाइप है, पहला ऑप्शन अल्फा टाइप लिखा है। दूसरा ऑप्शन पढ़िए, विभिन्न इकोसिस्टम के अंदर प्रजातियों की संख्या, तो यही देखा था हम लोगों ने बीटा बायोडाइवर्सिटी में, बी ऑप्शन देखा था, तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। समझ आया ना? चलिए 102 देखिए जल्दी से। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की अनुशंसा करने वाली भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति यानी कमेटी ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया CSWI का गठन किस वर्ष किया गया था? जस्ट फैक्चुअल है, याद रख लेना, 1974 करेक्ट आंसर है। याद रखना, इसी कमेटी की अनुशंसा पर, रिकमेंडेशन पर इस आयोग की स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय महिला कमीशन, नेशनल वुमेन कमीशन। 103 इंडियन इकोनॉमी के क्षेत्र में खुले बाजार की क्रियाएं किसे निर्दिष्ट करती हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशंस पूछ रहे हैं, OMO। आप लोग इंडियन इकोनॉमी पढ़े होंगे कि RBI खुले बाजार की क्रियाएं ऑपरेट करता है। कैसे करता है? खरीदारी और बिकवाली दोनों करके, खरीदारी भी करता है और बिकवाली भी करता है। किन चीज़ों की बिकवाली और खरीदारी करता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसे बोला जा रहा है सरकारी प्रतिभूतियाँ। तो RBI खरीदारी और बिकवाली क्यों कर रहा है? ये इसलिए कर रहा है क्योंकि मार्केट से लिक्विडिटी को कम या ज़्यादा किया जा सके। लिक्विडिटी से मतलब है पैसा, ठीक है? आप अभी यहाँ पे पैसा समझिए। RBI अगर सरकारी प्रतिभूतियों को मार्केट में बेचेगी, मार्केट में बेच रही है, तो मार्केट से पैसा आएगा RBI के पास। तो मार्केट से पैसा आएगा, इसका मतलब है मार्केट से पैसा खत्म हो रहा, कम हो रहा है। इसको बोलते हैं कि मार्केट से लिक्विडिटी कम हो गई है। ऐसे ही आप उल्टा समझ सकते हैं,
आरबीआई जब मार्केट से खरीदेगा कुछ तो आरबीआई मार्केट को पैसा देगा, इसका मतलब कि पैसा आउटफ्लो हो रहा है आरबीआई से, और दूसरा मतलब ये भी है कि मार्केट में पैसा आ रहा, तो इसको बोला जाएगा कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आरबीआई कैसे पैसा खींचती है मार्केट से और कैसे पैसा मार्केट में डालती है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन देखिए, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय, खरीदारी और बिकवाली, ये ऑप्शन करेक्ट है, हो जाएगा। चलिए वो जो ऊपर एग्जांपल था सरकारी प्रतिभूतियों का, वो एक एग्जांपल है ओपन मार्केट ऑपरेशंस का, बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं इसमें, बट यहाँ पे चर्चा नहीं कर सकते ना सभी की। 104 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कथन करण का क्वेश्चन है। पहला पढ़िए, बायोडाइवर्सिटी की क्षति ने इकोसिस्टम की संरचना और उचित कार्य पद्धति को खतरे में डाल दिया, ये गलत है कि सही है? ये बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। इकोसिस्टम बन कैसे रहा है? बायोटिक एलिमेंट से बन रहा है, और एबायोटिक एलिमेंट से बनता है, यानी जैविक तत्वों से और अजैविक तत्वों से। और किसी इकोसिस्टम में जैविक तत्व अगर बहुत ज़्यादा हैं तो उसे हम लोग बायोडाइवर्स क्षेत्र बोल देते हैं, जैव विविध क्षेत्र बोल देते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम में हर एक स्पीसीज़ का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपने कीस्टोन स्पीसीज़ पढ़ा होगा, अगर इकोसिस्टम से कीस्टोन प्रजाति खत्म हो जाती है तो पूरा इकोसिस्टम चौपट हो सकता है। हमने दृष्टि पीसीएस 2021 में पढ़ा था, एक एग्जांपल देखे अगर आपको याद आ रहा होगा, येलोस्टोन नेशनल पार्क का एग्जांपल दिया था कि वहाँ की एक कीस्टोन प्रजाति खत्म होने से येलोस्टोन पूरा नेशनल पार्क कैसे चौपट हो गया था, कोलैप्स कर गया था। हम लोग अपने शरीर से एक किडनी निकाल देंगे, ठीक है शरीर मरेगा नहीं, लेकिन सर्वाइव करने की कोशिश करेगा, वो एक किडनी पर जीने की कोशिश करेगा, वो सर्वाइव कर ले जाएगा। अगर दोनों किडनी निकाल दें तब कैसे सर्वाइव करेगा? नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट के पास, इकोसिस्टम के पास भी एक ऐसी लिमिटेशन है जहाँ तक वो सर्वाइव कर लेता है, उसके बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। इसी सर्वाइव करने की टेक्निक को बोलते हैं अनुकूलन की क्षमता। तो पहला पॉइंट समझ में आया, जैव विविधता की क्षति, आपने एक किडनी निकाल दी, दूसरी किडनी से शरीर काम कर रहा, लेकिन उस एक किडनी के खराब होने से या निकल जाने से बाकी ऑर्गन्स पर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाएगा, ताकि शरीर को सर्वाइव भी तो करना है ना, तो शरीर की संरचना और कार्य पद्धति भी बदल जाएगी। ठीक है, आप यहाँ से लिंक कर सकते हो इसको इजीली। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा पॉइंट देखिए, कारण देखिए, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी की क्षति से जुड़े दबावों के साथ अनुकूलन करने में सक्षम नहीं होते, तो ये पॉइंट गलत है। कुछ लिमिट तक तो सक्षम होते हैं ना, लेकिन उस सीमा के अगर बाहर लॉस हो जाएगा तब वो कोलैप्स कर जाएगा इकोसिस्टम, तो ये पॉइंट गलत है। तो यहाँ पे आर गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, इसी पॉइंट करेक्ट है। आगे चलें, आ जाइए 105 देखिए, राष्ट्रपति एक कैबिनेट मंत्री को जो संसद सदस्य भी हो उसको बर्खास्त कर सकता है। कैबिनेट मंत्री के लिए एमपी तो होना ही चाहिए, ये एमपी चाहे राज्यसभा से हो चाहे वो लोकसभा से हो, बिना सांसद बने आप कैबिनेट मंत्री बन ही नहीं सकते। आपने आर्टिकल 53 पढ़ा है, 53 में क्या लिखा है? सब क्लॉज में लिखा हुआ है कि ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, यानी सभी कार्यकारी शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। लेकिन ये तो लिखने को लिखा है बस, लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव पावर है उसको एंजॉय कौन करता है? उसको एंजॉय पीएम करता है, क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 74 और 75 ने राष्ट्रपति के पंख कतर दिए, तो बहुत ज़्यादा पावर इनमें रही नहीं हो। और यहाँ पर प्रोविज़न कर दिया गया है कि राष्ट्रपति जो भी काम करेंगे पहले पीएम साहब से पूछ के करेंगे, तो बर्खास्तगी वाला काम भी तो पूछ के करेंगे, अपने से थोड़ी ना कर लेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मुखिया कौन? पीएम। तो मुखिया से बिना पूछे बर्खास्त कैसे कर दोगे आप? नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे बी पॉइंट देखिए, प्रधानमंत्री की अनुशंसा द्वारा पीएम साहब से पूछना पड़ेगा। संविधान में तो सलाह शब्द लिखा है, एक्चुअली में राष्ट्रपति सलाह भी नहीं लेते हैं, पूछते हैं। सलाह लेना और पूछने में बहुत फर्क है ना, तो यहाँ पे बी पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। चलिए 106 देखिए, गरीबी का दुष्चक्र द कॉन्सेप्ट बीसीएस साइकिल ऑफ पॉवर्टी वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय, इनको तो जान ही रहे होंगे आप, एडम स्मिथ को। कैपिटलिज्म के ये जनक माने जाते हैं, पूंजीवाद के जनक कहा जाता है इनको, ये समाजवाद पर बिलीव ही नहीं करते हैं। और इन्हीं के जस्ट अपोजिट कार्ल मार्क्स थे, ये सोशलिस्ट आदमी थे। तो स्मिथ साहब ने अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी बना दिया, कार्ल मार्क्स ने अर्थव्यवस्था को समाजवादी बना दिया, और अमृत सेन साहब ने ना तो पूंजीवादी बोला और ना ही समाजवादी बोला, इन्होंने दूसरा टर्म कॉइन कर दिया, कल्याणकारी। अर्थव्यवस्था होना चाहिए किसी भी देश की कल्याणकारी, वेलफेयर इकोनॉमी, इसी के लिए नोबेल प्राइज़ पा गए 1998 में, और एक साल बाद इनको भारत रत्न भी मिल गया था 1999 में। ये ईयर कभी कभी पूछ लेता है इसलिए बता रहा, नहीं तो इसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, इंडियन है ना तो ईयर जानना जरूरी है। गरीबी का दुष्चक्र की अवधारणा नर्क साहब ने दी थी, तो याद रखना भी आसान है कि गरीबी का दुष्चक्र कोई स्वर्ग वाली तो बात है नहीं, ये भी अपने आप में एक नर्क है,
ठीक है, तो नर्क याद रखना, हो जाएगा। चलिए 107 देखिए, 107 में टाइम लाइन मिलाना है। सबसे पहला कन्वेंशन कौन आया था? CMS, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन, 1979। ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन, ये तो इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है, चारों ही इंपॉर्टेंट है, इसको अलग अलग करके भी पूछता है क्वेश्चन, तो ये 1985 का है। UNCBT वेरी इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, 1993। और लास्ट है UNCCD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, तो मरुस्थलीकरण रोकने के लिए भी कन्वेंशन है, इसको कब लॉन्च किया गया था? ये सबसे लेटेस्ट है इन चारों में, 1994 का। तो हो जाएगा, ये मिला लेना, पॉज कर लेना वीडियो को और याद कर लेना। चलिए 108 देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थोड़े से बिलर हैं, मैं डिक्टेट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 108 में निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्यपाल को विधानसभा हेतु प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने का अधिकार देता है? राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल से है? आर्टिकल 155, इंपॉर्टेंट है, जस्ट फैक्चुअल याद रख लेना, आर्टिकल 180 में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की बात है। चलिए 109 देखिए, 109 में फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में पूछा गया है, वित्तीय समावेशन के बारे में। सिंपल सा मीनिंग है वित्तीय समावेशन का, कि हर किसी को फाइनेंशियल सर्विस दे दो, वित्तीय सेवाएं दे दो। वित्तीय सेवाएं मिल कैसे रही हैं? तो सबसे बड़ी चीज़ है खाता, अकाउंट, खाते के लिए बैंक में जाना पड़ेगा, तो ऐसे सभी लोग जो अभी तक वंचित रह गए हैं सभी को बैंक से जोड़ दीजिए, सभी के खाते खुलवा दीजिए, क्योंकि अगर आप लोन भी लेना चाहते हैं तो आपको बैंक अकाउंट चाहिए, आप पेंशन चाहते हैं तब भी बैंक अकाउंट चाहिए, कुछ अगर आपको सेविंग करना है तब भी खाता चाहिए, किसी भी सरकारी स्कीम का कुछ भी फ़ायदा उठाना है तब भी अकाउंट चाहिए, किसान को फसल में नुकसान हो गया तो उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र चाहिए तो DBT के लिए खाता चाहिए, है ना, किसी भी प्रकार की सब्सिडी चाहिए तब भी खाता चाहिए। ठीक है, अब हो जाएगा। चलिए पहला पॉइंट पढ़िए, यहाँ पे नहीं बताना है, ठीक है, वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं पूछा है। पहला पॉइंट देखिए, कमज़ोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना, बिल्कुल इसलिए तो किया जा रहा है, तो ये तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में आता है। दूसरा पॉइंट है श्रिंकिंग ऑफ बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे श्रिंक थोड़ी ना होगा, संकुचन थोड़ी ना होगा, इससे तो और एक्सपेंड होगा, करोड़ों लोग जब खाता खुलवाएंगे और इतने लार्जर स्केल में ट्रांजैक्शन होंगे तो ये संकुचन हुआ कि एक्सपेंशन हुआ? एक्सपेंशन हुआ, तो ये गलत पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार, बिल्कुल करेक्ट है, शहरों में तो सबके खाते होते हैं भाई, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होते हैं। एक वेल अवेयर पर्सन के लिए खाता होना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति के लिए खाता होना बहुत बड़ी चीज़ है। डी पॉइंट देखिए, गरीब व्यक्तियों के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार, ये भी करेक्ट है, गलत पूछा था तो गलत बी पॉइंट है, समझ आया। चलिए 110 देखिए, जैविक घटकों का एक दूसरे तथा उनके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इंग्लिश में देख लीजिए, अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे स्टडी के बारे में पूछा जा रहा है, तो स्टडी को तो इकोलॉजी बोलते हैं। बायोटिक कंपोनेंट का आपस में इंट्रैक्शन और इन बायोटिक कम्युनिटी का अबायोटिक कंपोनेंट से इंट्रैक्शन, तो इस मशीन को तो बोला जाता है इकोसिस्टम, लेकिन जो इसके ऊपर स्टडी है इकोलॉजी बोलते हैं। 111 देखिए, संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन राज्य को देश के पंचायती राज संस्थान स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, इनको संवैधानिक दर्जा किससे मिला था? आपने 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा है 1992 का, लागू 1993 से हुआ था। तो ग्राम पंचायतों का गठन आप किस आर्टिकल में देखते हैं? आर्टिकल 40 याद आ रहा, आर्टिकल 40 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ग्राम पंचायतों का गठन, और आर्टिकल 40 है क्या? TPSP है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मौलिक अधिकार में फंडामेंटल राइट्स में थोड़ी ना कहीं पर लिखा हुआ है PRI को इंस्टीट्यूट करने का, ना ही प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, DPSP के आर्टिकल 40 में वर्णित है। और सारे प्रोविजन अगर आपको देखना है तो आप आर्टिकल 243 देख लेना, 243 में बहुत सारे सब क्लॉज हैं, 243 यानी आप पार्ट 9 देखेंगे तो आपको पूरा पंचायती राज दिखेगा, पार्ट 9, और इससे संबंधित शेड्यूल भी पूछा जाता है, अनुसूची भी पूछा जाता है, शेड्यूल नंबर कौन सा है? 11। चलिए 112 देखिए, गतिहीन विकास के बारे में पूछा जा रहा है, स्टैग्नेंट ग्रोथ किसे कहते हैं? स्टैग्नेंट का मतलब है कि यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, जैसे स्थिति पहले थी वैसे ही स्थिति आज भी है, कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, कोई भी ग्रोथ नहीं है। ईयर 2000 में हमारी सैलरी 10,000 थी, 2010 में भी हमारी सैलरी 10,000 थी, और 2022 में भी हमारी सैलरी 10,000 है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, स्टैग्नेंट है। और जब प्रति व्यक्ति आय स्थिर रहेगी तो राष्ट्रीय आय भी स्थिर रहेगी,
तो यहाँ पे आप सी पॉइंट पढ़िए, वह अर्थव्यवस्था जिसमें वास्तविक राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय दोनों स्थिर रहती हैं, स्टैग्नेंट रहती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 113 आइए। 113 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेघ क्लाउड ओजोन क्षरण से संबंधित है, ओजोन डिप्लीशन। इस इमेज को देखिए, ये जो आपको क्लाउड दिख रहा है ये पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है, ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल, 15 से 25 किलोमीटर के हाइट पर होते हैं। ठीक है, और भी इमेज देख सकते हैं, ये सारे पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं। इन बादलों में H2SO4 होता है और नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, 114 देखिए, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई, यानी NCPCR। आपको एक एक्ट के बारे में जानना है, बाल अधिकार प्रोटेक्शन एक्ट, ये 2005 में लाया गया था। इस एक्ट के द्वारा ही इस कमीशन की स्थापना की गई थी। और ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब किसी आयोग की स्थापना किसी एक्ट के द्वारा होती है, अधिनियम के द्वारा होती है, तो ऐसी संस्थाओं को स्टैट्यूटरी बॉडी बोला जाता है। स्टैट्यूटरी बॉडी यानी हिंदी में बोलते हैं इसे सांविधिक। सांविधिक संवैधानिक बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, किसी आर्टिकल में थोड़ी ना देखते हो आप इसको। जैसे आप फाइनेंस कमीशन पढ़ते हैं 280 में, तो ये कमीशन किसी आर्टिकल में पढ़ते हैं आप? नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस एक्ट का नाम याद रखना, 2005 ईयर भी याद रखना है, 2 साल बाद फिर इस कमीशन को बनाया गया था। ठीक है, तो गलत मत कर देना, 2005 मत लगा देना, 2007 है। एक्ट के तुरंत बनने के बाद कमीशन की स्थापना नहीं हुई थी, 2 साल बाद बना था, 2007 सही आंसर। चलिए 115 देखिए, 115 में SDI के बारे में पूछा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कई बार पढ़ते रहते होंगे, 3 मेजर फैक्टर ही हैं जिससे बनता है, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। आप तीनों इंडिकेटर देख रहे होंगे, इससे क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इन इंडिकेटर्स के द्वारा मानव जीवन के स्तर को ट्रैक किया जाता है। तो यहाँ पे तीनों आंसर हो जाएगा। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, 1, 2, 3। आगे चलें, आइए 116 देखिए, पर्यावरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पर्यावरण को तो हम लोग सीख ही लिए, पढ़ लीजिए पहला पॉइंट। पहले पॉइंट में तो पर्यावरण की परिभाषा ही लिख दी है, पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर के सभी जैविक और अजैविक अवयव, प्रभाव एवं घटनाओं का सम्मिश्रण है। ठीक है, हम लोग यही देखते हैं, तो ये तो सही पॉइंट लिखा है। दूसरा पॉइंट है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1980 में पारित किया गया था, वहाँ गलत है, क्योंकि आपको 3 जो एक्ट हैं एनवायरनमेंट से संबंधित वो तो कभी नहीं भूलना है। ये 4 एक्ट आप लोग हमेशा याद रखें। जैसे पहला वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पढ़ते हैं आप लोग, वाइल्ड लाइफ एक्ट पढ़ते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ते हैं 1972 का, वन अधिनियम पढ़ते हैं 1980 का, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो यहाँ पे पूछा गया है ये कब का है, ये 1986 का है, और बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो यहाँ पे 1980 गलत लिखा है, यहाँ पे 1986 होना चाहिए था। तीसरा वाला पॉइंट क्लियर है, दूसरा पॉइंट गलत हो गया, केवल एक सही है। आगे चलें, चलिए 117 में क्या पूछा है, CAG के बारे में पूछा है, इनका टेन्योर पूछा है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 याद रखना इसको। इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट साहब करते हैं, और इनका टेन्योर 6 साल है। किसी का कार्यकाल 4 वर्ष होता है या फिर 6 वर्ष होता है, तभी तो क्वेश्चन पूछता है ना, 5 वर्ष के लिए थोड़ी ना पूछेगा, तो याद रखना 6 वर्ष। इनका काम तो आप जानते होंगे, सरकारी पैसे का हिसाब किताब रखना पड़ता है इनको। पब्लिक मनी का खर्चा कौन करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करती है, यानी सरकार करती है। और ये सरकार को पैसा मिलता कहाँ से है, CFI से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, लेकिन ऐसे ही तो मिल नहीं जाता है, पहले संसद की परमिशन चाहिए होती है। विनियोग बिल याद आ रहा, एप्रोप्रिएशन बिल, तो वो सब पास कराने पड़ते हैं, तब जाके पैसा मिलता है सरकार को CFI से। तो जिस काम के लिए सरकार पैसा ले रही है, सरकार उसी काम के लिए पैसा खर्च कर रही है कि नहीं कर रही है, या फिर किसी और काम के लिए खर्च कर दे रही है, ये सब हिसाब किताब देखते हैं CAG। पैसा लिए थे 4000 किलोमीटर हाईवे बनाने का, और उस पैसे को बांट दिए सब्सिडी में, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। और सरकार अगर ऐसा करेगी तो CAG अपनी रिपोर्ट में पैसा छाप भी देंगे। समझ आया, चलिए 118 देखिए, अर्थव्यवस्था का आप एक सामान्य सा नियम जानते हैं कि किसी भी वस्तु के जब मूल्य बढ़ जाते हैं, मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, उसकी डिमांड कम हो जाती है। लेकिन गिफिन गुड्स के साथ ऐसा नहीं होता है, गिफिन गुड्स के साथ ये रूल फॉलो नहीं होता है। फिर साहब बोलते हैं भले ही रेट बढ़ जाएँ, भले ही वस्तुओं के मूल बढ़ जाएँ, लेकिन उसकी डिमांड में कमी नहीं आएगी, डिमांड भी जैसे पहले थी वैसे ही रहेगी और बढ़ेगी ही।
तो इन्होंने कुछ गुड्स बताए हैं, कुछ वस्तुएं बताई हैं कि इन वस्तुओं के साथ ये रूल लागू नहीं होता। जैसे रोटी है, चावल है, ब्रेड है। भाई गेहूँ 200 रुपये के जी भी आएगा तब भी तो इंसान ले गई ना, ठीक है तो हो जाएगा। अब तो पहला पॉइंट पढ़िए, जिनकी मांग मूल वृद्धि के साथ बढ़ती है, ये पॉइंट सही हो जाएगा, बाकी सब गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर तीसरे पॉइंट के साथ कन्फ्यूज मत होना, जिनकी मांग मूल से स्वतंत्र स्थिर बनी रहती है, ठीक है। चलिए निम्न वस्तु यानी इन्फीरियर गुड्स, नॉन लग्जरी प्रोडक्ट, आलू भी एक गिफन गुड है, पोटैटो। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं, ये डिमांड बढ़ क्यों हो रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी आप हो सकता है आप इस पॉइंट को लेके थोड़ा कन्फ्यूज हो रहे हो। एक अमीर व्यक्ति है, एक गरीब व्यक्ति है, इन दो व्यक्तियों की स्थिति में ये पूरी संभावना है कि गरीब व्यक्ति आलू को रोज खाता होगा, लेकिन अमीर व्यक्ति आलू को रोज नहीं खाता है। इतना क्लियर है, इतना समझ में आता है हम लोगों को, क्योंकि इनके पास सो मच ऑफ एक्सेस है कुछ भी खाने का। अमीर व्यक्ति हो सकता है एक दिन आलू खा ले, दूसरे दिन चिकन खा ले, तीसरे दिन मटन खा ले। अब यहाँ पर देखिए 200 रुपये के जी आता है चिकन अभी, लेकिन स्थिति ऐसी आ गई कि 1000 रुपये का हो गया। मटन आज की डेट में 600 रुपये के जी आता है, लेकिन स्थिति ऐसी आ गई कि 3000 रुपये के जी मिल रहा है। अब आप देखिए 600 रुपये का मटन 3000 में कौन लेगा? गरीब तो ले ही नहीं सकता, अमीर भी नहीं लेगा। वो हो सकता है एक दिन खा ले, दो दिन खा ले, लेकिन तीसरे दिन उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो 3000 रुपये का 1 kg मटन ला के खा ले। तो ये अमीर आदमी फिर किस पे शिफ्ट होगा? वो आलू पे शिफ्ट होगा या फिर इन्फीरियर गुड्स पे शिफ्ट होगा। तो गरीब तो पहले खरीद ही रहे थे, अब अमीर भी खरीदने लग गए आलू को। इसका मतलब क्या है? डिमांड में घटोतरी हुई या बढ़ोतरी हुई? डिमांड बढ़ गई, अब गरीब के साथ साथ आलू को अमीर भी ले रहा है। तो आपको गिफन गुड्स में यही याद रखना है कि रेट भले ही बढ़ जाए, डिमांड भी साथ में बढ़ती है, ठीक है। अब समझ में आया? चलिए तो जल्दी से कर लीजिए 119 आसान है। दो या उससे अधिक विविध पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? आसान सा क्वेश्चन है, इसको इकोटोन बोला जाता है। जैसे यहाँ पे आपको दो इकोसिस्टम दिख रहा है, एक इकोसिस्टम है रेड कलर से, इसको आप कोई भी फॉरेस्ट इकोसिस्टम मान लीजिए, जंगल वाला। दूसरा इकोसिस्टम है एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो ये जो ट्रांजिशन जोन होता है दोनों इकोसिस्टम का मध्य का भाग, इसको बोला जाता है इकोटोन। इस इकोसिस्टम में दोनों इकोसिस्टम के फीचर होंगे, फॉरेस्ट वाला भी फीचर होगा और एक्वेटिक का भी फीचर होगा, ठीक है। 120 देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? फंडामेंटल ड्यूटी की बात कर रहे हैं, पार्ट नंबर बताएंगे, पार्ट है 4A। स्वर्ण सिंह समिति याद आ रही है, स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की बात की थी। अभी आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने देखते हैं? टोटल 11 देखते हैं, पहले 10 थी, ठीक है, बाद में एक जोड़ी गई है। वैसे स्वर्ण सिंह समिति में तो काफ़ी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ने की बात की गई थी, 14-15 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, लेकिन 10 ही जोड़ा गया था। इस एक के बारे में पूछा जाता है, ये जो लेटेस्ट में ऐड हुई है ये कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है? तो ये जो 11वें नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी है, इसमें पेरेंट्स गार्जियन अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे, ऐसा लिखा है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। तो ये लास्ट वाली फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में भी याद रखना, और बाकी ये जो 10 जोड़ी गई थी वो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जोड़ी गई थी और 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये कब हुआ था? 1976 में। पार्ट भी हम लोगों ने देखा, पार्ट 4A है और आर्टिकल 51A है। समझ आया? चलिए 121 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? भारत निर्माण योजना, इसका ईयर याद रखें 2005-2006 में ये योजना लाई गई थी। इस योजना के 6 पिलर्स हैं, 6 स्तंभ हैं। ये 6 स्तंभ कौन कौन से हैं? सड़क, आवास, सिंचाई, पेयजल, दूरसंचार कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी विद्युत। तो आप यहाँ पे पेयजल को देख रहे हैं, आवास को देख रहे हैं, सड़क को देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सैनिटेशन की कोई बात नहीं की गई है, स्वच्छता की कोई बात नहीं की गई है। तो यहाँ पे नहीं पूछा था, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए 122 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 100 स्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है? पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए दो तरीके आप लोग पढ़ते रहते हैं, इन सीटू पढ़ते हैं और एक्स सीटू पढ़ते हैं। इन सीटू का मतलब होता है, इन सीटू संरक्षण का मतलब होता है कि किसी जीव को उसके पर्यावरण में ही संरक्षित कर लेना, यानी उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, उनका जो प्राकृतिक आवास है, वहीं पर जाके उनको संरक्षण अगर कर रहे हो तो वो इन सीटू होता है। और एक्स टू से मतलब समझ पे आ रहा होगा, एक्स से मतलब समझ में आ रहा होगा कि उनके नेचुरल हैबिटेट से उनको बाहर निकाल लो और दूसरी जगह संरक्षित कर लो, दूसरी जगह प्रोटेक्ट कर लो, जैसे जू में करते हैं। तो जू तो नेचुरल हैबिटेट तो है नहीं, ये तो आर्टिफिशियल हैबिटेट है। तो जू में भी बहुत सारी स्पीसीज हैं जिनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, लेकिन ये एक्स टू संरक्षण का एग्जाम्पल है।
जैसे नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क तो नेचुरल हैबिटेट है ना, तो इसी के अंदर यदि संरक्षित किया जा रहा है किसी स्पीसीज को तो वो इंसिटू हो जाएगा। जैसे कोई प्रजाति कोई विलुप्त की कगार पर है, ख़त्म होने वाली है, तो अब उसको कैसे प्रोटेक्ट करें? उस प्रजाति का एक ही जानवर बचा है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करें? नेचुरली तो उसकी डेथ होगी ना, तो उसको प्रोटेक्ट उनके जीन को संरक्षित करके करते हैं। उनके जीन्स को स्पेसीमैन में रखा जाता है ताकि वो प्रोटेक्ट हो सकें, फिर उस जीन से स्पीसीज बनाने की कोशिश की जाती है। तो आप एक एग्जांपल डीएनए बैंक का भी यहाँ पर ले सकते हैं कि डीएनए बैंक कैसा संरक्षण हुआ, इंसिटू हुआ या फिर एक्सिटू हुआ? ऑब्वियसली एक्सिटू हुआ। बोटानिकल गार्डन बन रहे हैं तो ये नेचुरल तो है नहीं, इनको तो शहरों के अंदर बनाया जा रहा है, आर्टिफिशियल है, तो बोटानिकल गार्डन भी एक्सिटू का एग्जाम्पल है। समझ में आया? तो बोटानिकल कैसा हुआ? एक्सिटू हुआ। संरक्षित वन कैसा हुआ? ये इंसिटू हुआ। नेशनल पार्क इंसिटू हुआ। बायोस्फीयर रिजर्व इंसिटू हुआ। तो यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा, नहीं पूछा था। चलें आगे, चलिए 1 2 3 देखिए जल्दी से। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है? बहुत आसान है, जल्दी से करके हम लोग आगे निकल लेंगे। बहुत आसान है, पार्ट 3। कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 12 से 35। वैसे अधिकारों की शुरुआत तो 14 से हुई है, 14 से। तो आर्टिकल 12 और 13 में क्या है? 12 में आपको पता है यहाँ पर राज्य की परिभाषा है, स्टेट की परिभाषा है। यहाँ पर स्टेट का मतलब है सभी सरकारें, निम्न स्तर से लेके उच्च स्तर की सरकारें, या फिर हर एक वो बॉडी जो गवर्नमेंट से फंडेड है। तो ये सब सारी चीज़ें स्टेट की परिभाषा में आती हैं। और 13 में क्या है? 13 में जुडिशल रिव्यू है, न्यायिक समीक्षा। तो ये राइट नहीं है ना। 14 और 14 से आगे जो फंडामेंटल राइट लिखे हैं उनके उल्लंघन पर आप लड़ोगे किससे? आप उन्हीं संस्थाओं उन्हीं व्यक्तियों से लड़ोगे जो आर्टिकल 12 की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। चलिए 124 देखिए। 124 में क्या है, इसको रेज कर लूँ मैं। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल MSP की बात कर रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सिफारिश कौन करता है? CACP, वेरी इंपॉर्टेंट, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1965 में बनाया गया था इस कमीशन को, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, हो जाएगा। चलिए 1 2 5 देखिए जल्दी से। स्नो लेपर्ड के बारे में बताना है, इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ द माउंटेन इकोसिस्टम। और लेपर्ड है तो आप लोग जान ही रहे हैं टॉप प्रीडेटर है, और किसी जगह अगर टॉप प्रीडेटर रह रहा है इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर फूड चेन वेल डेवलप्ड है, फूड चेन चल रही है, फूड चेन खतरे में नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यही हुआ ना, ये माउंटेन इकोसिस्टम की हेल्थ को इंडिकेट करता है। दूसरा पॉइंट है, इसे IUCN रेड लिस्ट में अति संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अति संकटग्रस्त नहीं है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, सुवैध है। सुवैध यानी वल्नरेबल। यहाँ पर सही बताना था, केवल एक सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 126 देखिए। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दे दी गई है तो राष्ट्रपति शासन जारी रह सकता है। आप लोगों ने ओनली IAS का अगर देखा होगा 2-3 वीडियो, तो उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया इन सब चीज़ों पर। हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था कि राष्ट्रपति शासन मैक्सिमम 3 साल तक रह सकता है, तो ये तो अधिकतम समय की बात होगी। मान लो उद्घोषणा कर दी 1 जनवरी 2023 को, तो यह एक बार में कितने समय तक लागू रह सकती है? तो वो आपको याद रखना है 6 महीने, 6 मंथ, यानी एक बार में 6 महीने तक रह सकती है। अगर आपको 3 साल तक बढ़ाना है इसको, तो आपको संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी, बीच बीच में लेती रहनी पड़ेगी, हर 6 महीने पर सहमति लेनी पड़ेगी, तब जाके ऐसे वो 3 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। तो एक बार में आप लोगों ने सीखा 6 महीने तक मैक्सिमम। लो उद्घोषणा जारी होने के बाद 2 महीने बाद ही मूड खराब हो गया संसद का, तब क्या 2 महीने में ख़त्म नहीं कर सकती संसद इसको? बिल्कुल कर सकती है, संसद 6 महीने का वेट नहीं करेगी। इससे हम लोगों को क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है, ये 6 महीने से पहले भी ख़त्म हो सकती है, क्लियर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए 127 देखिए जल्दी से। कथनकरण का क्वेश्चन है, सरकार कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट का विनिवेश कर रही है, डिस इन्वेस्टमेंट कर रही है, कारण देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित नहीं कर पाई। विनिवेश आप लोग समझते होंगे, सरकारी हिस्से को बेच देना विनिवेश कहलाता है, और जितना हिस्सा बेचती हैं उतने हिस्से में प्राइवेट प्लेयर आ जाते हैं। जैसे कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट है, आपने 75% अपने पास रखा और 25% बेच दिया, यानी 25% का आपने बी निवेश कर दिया, डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो इसको लिया किसने? इसको प्राइवेट प्लेयर ने ले लिया, किसी प्राइवेट कंपनी ने ले लिया। तो फिर इस कंपनी में प्राइवेट प्लेयर की भी 25% हिस्सेदारी हो गई, और ये हिस्सेदारी हर जगह रहेगी, डिसीजन मेकिंग में भी रहेगी, फंडिंग में भी रहेगी, प्रॉफिट में भी रहेगी,
एम्प्लॉय स्टाफ में भी रहेगी। तो पहला पॉइंट तो सही है, सेकंड पॉइंट बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि रोजगार सृजन नहीं हुआ, रोजगार तो ज़्यादा सृजन हुआ है। तो यहाँ पर आर गलत हो जाएगा, ये सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए 128 देखिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा परिभाषित किया गया? एक रिपोर्ट आई थी अवर कॉमन फ्यूचर, इस रिपोर्ट को जारी किया था वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग। इस रिपोर्ट में सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट को परिभाषित किया गया था। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 129 देखिए, आसान सा क्वेश्चन है भी। प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या अधिकतम नहीं होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आप लोग पढ़ते रहते हैं, और इनकी संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ठीक, अमेंडमेंट करके। डी ऑप्शन करेक्ट है। लोकसभा में कितना मैक्सिमम कितना सीट है, 552 है ना, 552 का 15% कितना होता है, वही 72-75 के आसपास आ जाएगा। यानी 75 लोग ऐसे रहेंगे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बैठेंगे, और आप लोगों को पता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो रहता है वही मंत्री होता है। ठीक है, वही मंत्री पद धारण करता है। अभी 15% निकाल लेना, एग्जैक्ट फिगर मैं रैंडम लिख दिया, 75 उसी के आसपास आता है, 75-80 के आसपास। चलिए 130 देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह बैंकों का बैंक है, वेरी इजी, इट इज़ द बैंक ऑफ बैंक्स, सही है। यह विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है, इट मैनेजेस फॉरेन एक्सचेंज, ये भी सही है, फॉरेक्स को मैनेज करता है। तीसरा पॉइंट है, सभी प्रकार के करेंसी नोटों को जारी करता है, तो ये तो गलत है। एक रुपये का नोट जारी RBI नहीं करता है, एक रुपये के नोट पर फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं, गवर्नर के नहीं। और फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, भारत सरकार, तो भारत सरकार के द्वारा एक रुपये का नोट जारी किया जाता है, RBI के द्वारा नहीं। तो सी पॉइंट गलत हो जाएगा। 131 देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना NGT एक्ट 2010 के तहत की गई थी। ट्रिब्यूनल्स का मतलब आप लोग जानते हैं कि ये न्यायालय की तरह, कोर्ट की तरह काम करते हैं, और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी मुद्दे रहते हैं उनको NGT हैंडल करती है। आप लोगों ने एनवायरनमेंट से संबंधित कानून पढ़े हैं, लॉ पढ़े हैं, उन्हीं कानूनों के तहत NGT नागरिक सुनवाई करती है। जैसे आप फॉरेस्ट एक्ट पढ़ते हैं 1980 का, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जिसे EPA बोला जाता है 1986 का, इसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 का, इनके अलावा दो एक्ट और आप लोग याद रखें, वाटर पॉल्यूशन एक्ट और एयर पॉल्यूशन एक्ट। जल प्रदूषण एक्ट कब का है, 1974 का है, और वायु प्रदूषण बताएंगे, वायु प्रदूषण एक्ट है 1981 का। इन सभी कानूनों के तहत NGT नागरिक मुद्दों पर सुनवाई करती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। भारत दुनिया का तीसरा देश है जहाँ पर NGT जैसी व्यवस्था की गई है। भारत से पहले ऑस्ट्रेलिया में NGT है और न्यूजीलैंड में NGT है। तीसरा देश इंडिया है, ये याद रखें। अब चूँकि NGT में स्पेशलाइज्ड लोग बैठ रहे हैं, तो एनवायरनमेंट के मुद्दे को स्पीड अप किया जा सकता है और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का बर्डन कम किया जा रहा है। NGT की 4 ब्रांचेस हैं, उसके बारे में भी कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन, उनको भी याद रखें आप लोग। NGT के 4 रीजनल ऑफिस भी हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई, इन 4 जगह पर रीजनल ऑफिस भी हैं। चलिए अब जल्दी से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। इसकी स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी, बिल्कुल करेक्ट है, NGT एक्ट आपने देखा। दूसरा पॉइंट है, इसका हेडक्वार्टर भोपाल में, ये पॉइंट गलत है क्योंकि हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तीसरा है, जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा इसके पहले अध्यक्ष थे, बिल्कुल करेक्ट है। अभी कौन है, अभी आदर्श कुमार गोयल है, आदर्श कुमार गोयल है। चौथा पॉइंट है, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे 134 सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समझ आया। चलिए आगे कीजिए 132। 132 में हिंदू समृद्धि दर के बारे में पूछा गया है। इस दर का संबंध कम वृद्धि दर से है। एक व्यक्ति हैं प्रोफेसर राजकृष्ण, इनका मानना है कि हिंदू परंपरावादी दृष्टिकोण के कारण GNP में वृद्धि दर कम आंकी जाती है, क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें, चलिए 133 देखिए। 133 में निम्नलिखित में से कौन से मंगल के नेचुरल सैटेलाइट हैं? तो ये तो आसान है, मंगल ग्रह के सैटेलाइट कौन से हैं? एक फोबोस है और दूसरा डीमोस है। जॉन कार्टर मूवी देखी है? जॉन कार्टर मूवी में बड़ा अच्छे से दिखाया है इन दोनों को। मंगल ग्रह के ये दोनों सैटेलाइट बहुत नज़दीक हैं, मंगल की सतह से ही दिखते हैं, बहुत नज़दीक में दिखते हैं। यहाँ पर जो यूरोपा लिखा है, यूरोपा मंगल का ना हो गया, जुपिटर का है। तो यहाँ पर तो बस एक ही है डीमोस, दूसरा ऑप्शन में लिखा नहीं है, फोबोस के बारे में लिखा नहीं है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 134 देखिए, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस पूछ रहा है, ओजोन क्षयकारी पदार्थ।
कौन कौन से पढ़ते हैं आप? ओजोन डुप्लीटिंग सब्सटेंस, अब CFC पढ़ते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन भी पढ़ते हैं, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन भी पढ़ते हैं, मिथाइल क्लोरोफॉर्म भी है, हेलोन्स भी आते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड भी है। तो यहाँ पर देखिए सारे लिखे हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन लिखा हुआ है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, हेलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड सभी हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना, याद कर लेना। 135 देखिए, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नाफेड की स्थापना की गई थी, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना क्यों की गई थी? कोऑपरेटिव मार्केटिंग को प्रमोट करने के लिए, सहकारी विपणन को प्रमोट करने के लिए। इसकी स्थापना गांधी जयंती पे हुई थी, 2 अक्टूबर 1958। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान, लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया, जस्ट फैक्ट है, याद कर लीजिए, श्री वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान आंध्र प्रदेश, ये भारत का सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क है। भारत के साथ साथ ये एशिया का भी सबसे बड़ा है। और बाकी जो लिखे हैं उनकी लोकेशन भी याद रखें, पद्मा नायडू प्राणी उद्यान पश्चिम बंगाल, नंदनकानन उड़ीसा, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान न्यू दिल्ली, इनको भी याद रखें। चलिए 137 देखिए, ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी को उनका स्थापना पर से मैच कराना। और सभी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1998 में इसकी स्थापना की गई थी, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड 1962, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, आपने EPA एक्ट पढ़ा है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इस एक्ट के तहत इस संस्था की स्थापना की गई थी, इस अथॉरिटी की स्थापना की गई थी, लेकिन 2009 में की गई थी। पहला ऑप्शन है वन्यजीव अपराध नियंत्रण बोर्ड, इस प्राधिकरण की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो आप 1972 पढ़ते हैं। तो एक्ट तो 72 का है, लेकिन स्थापना 2007 में की गई थी। ठीक है, अब मिला लेंगे, अब इसको मिलाते रहना, ठीक है, पॉज कर लेना वीडियो, सीख लेना। चलिए 138 देखिए, 138 देखिए, भारत में एगमार्क एक्ट कब लागू हुआ? ये बहुत पुराना एक्ट है, 1937 का। एगमार्क समझते हैं ना, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो होते हैं, कृषि प्रोडक्ट होते हैं, उनको मानकीकरण के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा एक टैग लगा रहता है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रहते हैं यहाँ पे ऐसे टैग बना रहता है, और यहाँ पे एग मार्क लिखा रहता है। 1937 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 139 देखिए जल्दी से, 139 में अटल ज्योति योजना संबंधित है, इस फिगर को देखिए। अटल ज्योति योजना को अजय योजना भी बोला जाता है, अजय के नाम से भी ये जानी जाती है। यहाँ पे पढ़िए, गवर्नमेंट लॉन्चेस अटल ज्योति योजना टू लाइट अप डार्क रीजन विथ सोलर स्ट्रीट लाइट्स। आपको यहीं पे फोकस करना है कि ये किस पे बेस्ड है, ये सोलर स्ट्रीट लाइट्स की एक स्कीम है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट पढ़िए, विद्युत की कमी वाले क्षेत्रों में विद्युत के लिए सौर लैंप लगाने का। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में कन्फ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे सब्सिडी दरों पर लोगों के लिए ऊर्जा कुशल LED ट्यूबलाइट और पंखे प्रदान करना है, ये नहीं है, ये स्ट्रीट लैंप है, स्ट्रीट लाइट से संबंधित है, हो जाएगा। चलिए 140 देखिए, रंग रोगन ब्लैक तथा कोटिंग निम्नलिखित में से किस प्रदूषक के स्रोत हैं? पेंट्स और फिनिशेस के बारे में पूछा जा रहा है। पेंट्स के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट का सोर्स होते हैं, और इनमें वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो लंग्स को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, फेफड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्नीचर पर पेंट्स का यूज हो रहा है, घर की दीवारों पर पेंट्स का यूज हो रहा है, तो हम लोग सब इंटेक कर रहे हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंटेक कर रहे हैं। चलिए 141 देखिए, प्रायः समाचारों में दिखने वाला वेसल मानदंड का संबंध है, इसमें बहुत सारे नॉर्म्स हैं, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम को स्टेबल बनाने के लिए वेसल मानदंड लाए गए, तो ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए 142 देखिए, भारतीय संसद केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार का भी विधायी अंग है, तो ऐसा तो नहीं है, राज्य सरकार के लिए विधायी अंग कौन सा है? उसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर है, विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल है। केंद्र सरकार के लिए लेजिस्लेटिव बॉडी कौन सी है? संसद है। लेकिन यहाँ पर तो बोल रहे कि संसद केंद्र सरकार के लिए भी है और राज्य सरकार के लिए भी है, तो ऐसा तो नहीं है, राज्य सरकार का विधायी अंग नहीं है, राज्य सरकारों के लिए कानून बनाती है वो अलग बात है, तो ये पॉइंट गलत हो गया। सेकंड पॉइंट देखिए, सरकार के संसदीय रूप के परिणाम स्वरूप भारतीय लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में भारतीय संसद सीट्स और केंद्र स्थान रखती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। टॉप लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी है? संसद। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कारण संसद की सेंट्रल पोजीशन तो है ही, प्रीएमिनेंट पोजीशन तो है ही, लेकिन याद रखना भारत में संसद की सर्वोच्चता नहीं है, सुपरमेसी और पार्लियामेंट नहीं है। अगर संसद की सुपरमेसी हो जाएगी तो हम लोग इंडिया ना रह के ब्रिटेन बन जाएंगे, हमारे यहाँ जो सुपरमेसी है वो है कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की सर्वोच्चता है हमारे यहाँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे सही बताना था, केबल 2 सही हो जाएगा। आइए 143 देखिए, जस्ट फैक्चुअल, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है,
सिविल सर्वेंट्स का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी योगदान रहता है उस योगदान के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। भारतीय सिविल सेवा को क्या बोला जाता है आपको याद होगा, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। याद आ रहा, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। ये किसने बोला था? ये सरदार पटेल साहब ने बोला था। 144 देखिए, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को निम्नलिखित में से किस दिन अपनाया था? आपको यहाँ पे जान लेना कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत एक ही तारीख को अडॉप्ट किए गए थे, वो तारीख कौन सी है? 24 जनवरी 1950 को। लेकिन जब राष्ट्रीय ध्वज की बात आती है तो राष्ट्रीय ध्वज को अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय गान की बात हो रही है तो यहाँ पर 24 जनवरी 1950 हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 145 देखिए। 145 आसान सा क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित कब हुआ? एमएसएमई की बात कर रहे हैं, एमएसएमई एक्ट कब हुआ था पारित? 2006 में। यहाँ पे थोड़ा फास्ट चल रहे हैं हम लोग। 146 देखिए, भारतीय संविधान में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? डीपीएसपी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ के रखा है, आर्टिकल 36 से 51। पार्ट कौन सा है? पार्ट 4 है। आर्टिकल 50 याद आ रहा, आर्टिकल 50 में सेपरेशन की बात की गई है एग्जीक्यूटिव को और ज्यूडिशरी को, तो भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 147 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पहला जैव विविधता विरासत स्थल है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? ये किसके तहत मिलता है? अपने बायोडाइवर्सिटी एक्ट पढ़ के रखा है, कब का है? 2002 का। इस एक्ट के तहत हेरिटेज साइट का दर्जा मिलता है। तो सबसे पहले कौन सा था? अमीनपुर झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे? तेलंगाना में, तेलंगाना। याद रखना ये मैन मेड है, ये मैन मेड लेक है, मानव निर्मित है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ आए? चल 148 देखिए, 148 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य था? हमेशा हम लोग पढ़ते रहते हैं राजस्थान का, नागौर जिला से सबसे पहले स्टार्ट की गई थी पंचायती राज, तो राजस्थान आंसर हो जाएगा। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश था जहाँ पर पंचायती राज को स्थापित किया गया था। कभी कभी डेट पूछ लेता है, तो गांधी जयंती के दिन ये काम हुआ था 1959 को, 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, 149 देखिए, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है? चूँकि टेक्निकल काम है तो किस एक्ट के द्वारा बना होगा? आईटी एक्ट याद आ रहा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इस एक्ट के द्वारा इस ट्रिब्यूनल को स्थापित किया गया था। तो ये किस किस के अंडर में फंक्शन करता है? तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी ठीक है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, यानी तीनों यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे चलें, आइए 150 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य का क्षेत्र 5वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? आपने 5th शेड्यूल पढ़ा था, आपने 6th शेड्यूल भी पढ़ा था, आपके पास बी आर एक्ट होगा, बी आर एक्ट में आप 5th शेड्यूल देखना और वहाँ पर देखना कौन कौन से स्टेट्स की बात हुई है। अब यहाँ पर समय नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता। अभी 2016 में 10 राज्यों को और जोड़ा गया, 2016 में 10 राज्यों को और जोड़ा गया है, तो जुड़ने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, हरियाणा को नहीं जोड़ा गया, तो यहाँ पर नहीं पूछा था, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये सब चीज़ें हम लोगों ने 2021 वाली टेस्ट सीरीज में किया था ठीक से, समय मिले तो वहाँ से रिवाइज कर लेना आप लोग एमसीक्यूज, काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए साहब, फिर टेस्ट 1 हम लोगों का खत्म हो गया, टेस्ट 2 शुरू करते हैं, देखते हैं शाम को रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा या फिर कल मॉर्निंग में करूँगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।